कुछ कहा और मैंने जो कुछ सुना वो सब मैंने अपने बुजुर्गों अपने माँ बाप से सीखा है। आई एम ग्रेटफुल टू माई पेरेंट्स और सबसे ज्यादा मैं अपने वालिद का शुक्र गुजार हूँ जो ओल्ड बॉय भी थे, अल्लाह उन्हें जन्नत दे। टुडे इज द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ माई फादर, अल्लाह गिव हिम हाई प्लेस इन पैराडाइज। अब मैं सबसे बड़ी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की शान, शान अलीगढ़ की शान एसटीएस हाई स्कूल, जहाँ से हम हामिद अंसारी जैसे वाइस प्रेसिडेंट को पैदा करते हैं, वहाँ के हमारे हमरा हमारे साथी यूसुफ मिंटो भाई से कहता हूँ कि वो मुखातिब हों और जमाने को बताएं कि तालीम के मैदान में मिंटो सर्किल और एएमयू ने क्या किया है। जी अस्सलाम वालेकुम, वकील साहब जी मैं बता रहा हूँ। देखिए मैं एक मैसेज देना चाह रहा हूँ आम जनता को, बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपने स्कूल में नहीं पढ़ पाते हैं, तो हमारे मौलाना आजाद नगर गली नंबर 10 चांद मेंबर के घर के पास एक सेंटर खोला। सुबह हमारा स्कूल चलता है, सुबह से लेकर 6 बजे तक चलता है। जो बच्चे स्कूल में पढ़ना चाहते हैं नहीं पढ़ पाते हैं पैसों की वजह से, तो हमने फ्री ऑफ कोर्स उनके लिए स्कूल खोल दिया गया मौलाना आजाद नगर गली नंबर 10 में रुद्र फाउंडेशन की तरफ से। और यहाँ पर बहुत सारे बच्चों को फ्री पढ़ा जाता है। जो भी आपके नजर में जो भी बच्चे स्कूल में पढ़ना चाहते हैं पैसों की वजह से नहीं पढ़ पाते हैं, कुछ हालात की वजह से नहीं पढ़ पाते हैं, तो उनको हमारे रुद्र फाउंडेशन में भेजिए। और यहाँ पर जो टीचर आते हैं वो एएमयू क्वालिफाइड हैं और क्या कहते हैं बहुत अच्छे तरह से पढ़ाया जाता है। लड़कियों का बैच अलग है, लड़कों का बैच अलग है कम से कम, और हर तरह के प्रोग्राम किए जाते हैं। सैटरडे डे, 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर, गांधी जयंती और चिल्ड्रेन डे, हर तरह के प्रोग्राम कराया जाता है। और एक बच्चा ये है, आप इधर आओ बेटा। देखिए मौलाना नगर में ऐसे ऐसे हालात हैं, वो बच्चे जानते नहीं है पढ़ाई की अहमियत है। बहुत से बच्चे यहाँ पर नाम तक नहीं लिख पाते हैं और पहला कलमा तक ये नहीं पढ़ पाते हैं। पहला कलमा भी ये नहीं पता, इसका मतलब नहीं पता, इस्लाम हमारा क्या कहते हैं, इस्लाम क्या कहता, हमारे आखिर पैगंबर कौन थे, कुरान से क्यों मिले। तो हमारे मौलाना नगर गली नंबर 10 में हमारा मकसद ये है, हमारा मतलब यहाँ के हालात को सुधारा जाए और यहाँ पर तालीम को आगे तक पहुँचाया जाए। हमारा रुजी फाउंडेशन का मकसद है हर घर का एक एक बच्चा तालीम हासिल करे, अच्छा कोई डॉक्टर बने, कोई पायलट बने, कोई आईएएस बने, कोई अधिकारी बने, कोई अफसर बने। तो हमारा ये टारगेट है। मैं ये कहना चाहूंगा जो बच्चे गरीब घर के हैं, जो पढ़ाई नहीं, बच्चों को नहीं दे पा रहे, माँ बाप ने बच्चों को पढ़ाई नहीं दे पा रहे, तो यहाँ पर कोई एक पैसा नहीं दिया जाता, कुछ बच्चों को फ्री पढ़ाया जाता है। और आने वाले टाइम में इसी सेंटर में रुद्र फाउंडेशन में लाइब्रेरी खोली जाएगी और आने वाले टाइम में आप सबकी दुआओं से यहाँ पर मासूम बच्चों को स्कॉलरशिप देने का काम भी कराया जाएगा। और इंशाल्लाह ताला बहुत सारे ऐसी चीजें यहाँ पर जो बच्चा यहाँ पढ़ेगा उसे कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इंशाल्लाह यहाँ पर क्लिनिक भी खोली जाएगी और भी बहुत सारी चीजें, हर तरह के कैंप लगाए जाएंगे। अभी 2020 में हमारा सेंटर जो ओपनिंग हुआ, इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला हम लोगों को हिम्मत दे, आप लोगों की दुआएं रही और सपोर्ट रहा। और जैसे कि मैं यहाँ कहना चाहूंगा मौलाना नगर में ऐसे लोग रहते हैं बहुत सारे, मजदूर लेबर रिश्ता ऑटो चलाते हैं, तो देखिए आने वाले टाइम में सर्दी का मौसम आ रहा है, बहुत से लोगों के पास जर्सियां नहीं है पहनने को, मोजे जूते ब्लैंकेट, तो आपको मैं एक मैसेज देना चाह रहा हूँ। जो वीडियो मेरे देख रहा है प्लीज आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जो भी आपके घर में कपड़े हैं जो आप नहीं पहनते हो उसको ना फेंकें, वो हमको दें, कनेक्ट करें, मैं इसमें नंबर आपको दूंगा सेंटर का। जो भी गर्म कपड़े आपके नजर में हों, छोटे या बड़े या लेडीज लड़कियों के लड़कों को, तो हमको दें, हम यहाँ से कनेक्ट करेंगे, आप हमें कॉल करें। और जगह जगह पर एक जो हॉस्टलों में कार्टून रखे जाएंगे, इंशाल्लाह एक हफ्ते के अंदर ही काम चालू हो जाएगा। बस आप तमाम लोगों से कहना चाहूंगा, और इस वीडियो में मैंने कुछ वर्ड गलत बोले हों तो मैं उसके लिए माजरत चाहता हूं। और ताजुद्दीन भाई का मैं बहुत शुक्रगुजार हूं, उन्होंने मुझे बुलाया, उन्होंने मौका दिया बोलने का। और उसमें बहुत सारी चीजें पढ़ाई जाती हैं, इंग्लिश स्पीकिंग, दीनियात, कुरान शरीफ, हर तरह से स्किल डेवलपमेंट। और आपका एक प्रोग्राम और होने जा रहा है इसमें 25 नवंबर फ्राइडे में 3 बजे से 5 बजे तक, फ्री है, कोई चार्ज नहीं ले जा रहा। कोई अगर ड्राइंग में पार्टिसिपेट करना चाहता है तो कर सकता है, कहीं से भी हो, चाहे हमारे सेंटर का हो, चाहे सेंटर से बाहर का हो, या किसी स्कूल का हो, ड्राइंग का पार्टिसिपेट कराया जा रहा है। जीके, हिंदो इस्लामिक, ऐसे राइटिंग जो भी करना चाहे तो आपको करे, इसके जो अच्छा
बनाएगा कि अच्छा लिखेगा उसको फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइज दिया जाएगा और सारे स्टूडेंट को सर्टिफिकेट दिया जाएगा इंशाल्लाह। आप तमाम लोगों के दुआ की दरख्वास्त है। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।